नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और लगातार पढ़ाई कर रहे होंगे आने वाली यूपी पुलिस और लेखपाल की परीक्षा के लिए। मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने इस चैनल पे सभी विषयों की एमसीक्यू सीरीज लेके आते हैं, जिसमें हिंदी की एमसीक्यू सीरीज हम डेली सॉल्व करते हैं, जिसमें हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं। और इन सभी टॉपिक को कवर करने के साथ साथ हम उनके एमसीक्यूज कवर करते हैं। जैसे प्रश्न हमसे परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों को हल करके हम अपनी प्रैक्टिस को लगातार करते आ रहे हैं। पिछले वीडियोज़ में हमने संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण कई सारे टॉपिक्स कवर किए। तो जिसने भी पिछले वीडियोस नहीं देखे हो, प्लेलिस्ट पे जाके पिछले वीडियोस को वॉच करिए और प्रैक्टिस लगातार करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही एक ऐसा मंत्र है जिससे कि हम आगे आने वाली परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा अंक पा सकते हैं। तो टॉपिक्स को पढ़ने के साथ साथ अपनी प्रैक्टिस लगातार करिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा नंबर पाए जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस एमसीक्यू सीरीज को। और एमसीक्यू सीरीज को शुरू करने से पहले, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। क्लासेस की डिटेल्स के लिए आप इंस्टाग्राम आईडी से जुड़ सकते हैं या फिर आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। सेलेक्शन मेंटर के नाम से आप हमें यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, सेलेक्शन मेंटर के नाम से। चलिए आज की सीरीज शुरू करते हैं, जिसमें आज का हमारा जो टॉपिक है वो वचन का टॉपिक है। आज का टॉपिक वचन है, जिसमें वचन कहने के लिए एक बहुत आसान टॉपिक होता है, लेकिन कई बार इस वचन से भी हमारे परीक्षा में प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो वचन को पढ़ने के साथ साथ कैसे होते हैं, कितने भेद होते हैं, किस तरह से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। और वचन को पढ़ने के साथ साथ हमने बाकी सारे पिछले वीडियोस में कई सारे टॉपिक्स भी कवर किए हैं, तो पिछले वीडियोस को जरूर देखिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो सके। तो शुरू करते हैं आज की एमसीक्यू सीरीज को। तो जिसमें पहला प्रश्न आपसे पूछा है कि किसी भी शब्द के एक या अनेक होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। आशा है ये प्रश्न बहुत आसान हो है और आप सभी बता पाएंगे। इसमें पूछा है कि किसी भी शब्द के एक या अनेक होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ये हैं आपको, लिंग, वचन, कारक या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कौन सा आंसर बिल्कुल सही होगा, जिसमें पूछा है कि एक या अनेक होने का बोध कराने वाले। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी शब्द के एक या अनेक होने का जहां भी बोध होता है या पता चलता है, एक या अनेक होने का पता चलता है, तो वहां पर ही क्या होता है, वचन होता है। क्या होता है, वचन होता है। और हिंदी में वचन सिर्फ दो प्रकार के होते हैं। कितने? दो प्रकार के होते हैं, जिसमें एक वचन और बहुवचन होता है। बहुवचन होता है। कभी कभी हमने ऑप्शंस में द्विवचन भी देखा होगा, लेकिन ये द्विवचन जो है वो, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि द्विवचन है, और द्विवचन हिंदी का वचन नहीं होता है। हिंदी का वचन नहीं होता है। तो द्विवचन जो है ये संस्कृत में आता है। किसमें आता है? संस्कृत में आता है। किसमें आता है? संस्कृत में। तो हिंदी के जो भी वचन है वो हिंदी में सिर्फ दो तरह के वचन माने जाते हैं, जिसमें एकवचन और बहुवचन आता है। तो इसे पूछा है कि जब भी शब्द के एक या अनेक होने का पता चलता है तो वो सिर्फ वचन से पता चलता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है कि जब भी शब्द के एक या अनेक होने का पता चलता है, जैसे एक पुस्तक या अनेक पुस्तकें। अब अनेक में दो, तीन, चार, पांच कुछ भी आ सकता है। इस तरह से हम पहचानेंगे कि जब भी शब्द के एक या अनेक होने का पता चलेगा तो वहां पर वचन होता है। आपसे डेफिनेशन मतलब परिभाषा देके पूछा है। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमसे पूछा है कि विकारी शब्द वे शब्द होते हैं
भिखारी शब्द वे शब्द होते हैं जिसमें लिंग, डैश और कारक के अनुसार परिवर्तन होता है। तो आपको बताना है, सबसे पहले आप ये बताएंगे कि भिखारी शब्द होते कौन कौन से हैं। पिछले वीडियोस में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और उसकी चर्चा भी कर चुके हैं कि भिखारी शब्द कौन कौन से होते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, पहले आप सब बताइए कि भिखारी शब्द कौन कौन से होते हैं, फिर हम चर्चा करेंगे। तो विकारी शब्द चार होते हैं, संज्ञा सर्वनाम क्रिया, संज्ञा सर्वनाम क्रिया व विशेषण। ये चारों ही शब्द विकारी शब्द में आते हैं। किसमें आते हैं? विकारी शब्द में आते हैं। अब लेकिन हमसे पूछा है कि इनमें परिवर्तन कैसे हो सकता है। तो विकारी शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन और कारक के अनुसार, लिंग, वचन और कारक, मतलब इन तीनों के अनुसार क्या हो सकता है? परिवर्तन हो सकता है। क्या हो सकता है? परिवर्तन हो सकता है। और परिवर्तन होने को ही हम लोग विकार बोलते हैं, जिसमें विकारी शब्द संज्ञा सर्वनाम और क्रिया विशेषण होते हैं। आपसे प्रश्न पूछा है कि विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिसमें लिंग, डैश और कारक के अनुसार परिवर्तन होता है, तो उसमें वचन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, जिसमें लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमसे पूछा है कि हिंदी में वचन कितने होते हैं। जैसा कि हमने अभी चर्चा किया कि हिंदी में वचन कितने होते हैं, सिर्फ दो वचन होते हैं। कितने होते हैं? दो वचन होते हैं, जिसमें एक वचन, गलती से भी ऐसा मत करिएगा कि हिंदी में वचनों की संख्या 3 लिखिए, 3 नहीं होती है, 3 होते हैं। संस्कृत में हिंदी की वचनों की संख्या होती है, हिंदी में सिर्फ दो होते हैं, एक वचन और बहुवचन, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, तो इसमें जो प्रश्न पूछा है कि हिंदी में वचन कितने होते हैं, तो सिर्फ दो वचन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न दिया है कि संस्कृत में वचन के कितने भेद होते हैं। अब आपसे संस्कृत में पूछा गया है, तो आपको ये बताना है कि संस्कृत में कितने वचन के कितने भेद होते हैं, 5, 3, 2 या 1। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। संस्कृत में वचन के कितने भेद होते हैं? तो जैसा कि अभी हमने देखा कि हिंदी में वचन दो होते हैं, लेकिन जब हमसे संस्कृत की बात की जा रही है, संस्कृत, तो संस्कृत में वचन कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने? तो कुल 3 वचन होते हैं, जिसमें एक वचन, द्विवचन, द्विवचन व बहुवचन, एक वचन, द्विवचन व बहुवचन, 3 वचन होते हैं। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमसे पूछा है कि हिंदी में वचन का कौन सा भेद सही नहीं है। हिंदी में वचन का कौन सा भेद सही नहीं है, मतलब एक वचन, हिंदी में एक वचन होता है, द्विवचन, बहुवचन या सभी सही हैं। कौन सा ऐसा है जो हिंदी में वचन का भेद नहीं है? तो जैसा कि हम बार बार इस चीज़ को पढ़ रहे हैं, और गलती यहीं पर होती है कि हम हिंदी और संस्कृत में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हिंदी में वचन की संख्या कितनी और संस्कृत में वचनों की संख्या कितनी होती है। तो हम सभी जानते हैं कि हिंदी में द्विवचन जैसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि ये संस्कृत के वचन का भेद होता है। तो हिंदी में वचन द्विवचन का कोई भी भेद सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है। अगले प्रश्न में पूछा है कि किसी भी शब्द के एक या डैश होने से वचन की पहचान की जा सकती है। एक या दो होने से, एक या साथ होने से, एक या अलग होने से, या एक या अनेक होने से। बहुत आसान से प्रश्न है, लेकिन कभी कभी परीक्षा में जब आते हैं तो जल्दी में हमसे कुछ ऐसे ही प्रश्न गलत हो जाते हैं। परीक्षा में गलती ना हो, अपनी गलतियों को अभी सुधार सके, इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा है कि किसी भी शब्द के एक या डैश होने से वचन की पहचान की जा सकती है। तो एक या दो, दो से ज्यादा भी वस्तुएं या संख्याएं हो सकती हैं, इसलिए एक या अनेक लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एक या किसी भी शब्द के एक या अनेक होने से वचन की पहचान की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा कि किसी भी शब्द के एक या अनेक होने से, एक या अनेक होने से वचन की पहचान
की जाती है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा है कि सभी ऋतुएं ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, सभी ऋतुएं हमेशा किस वचन में प्रयोग की जाती हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए कि सभी ऋतुएं हमेशा किस वचन में प्रयोग की जाती हैं। एक वचन, बहुवचन, द्विवचन या फिर अनेक वचन। जल्दी से बताइए कि सभी ऋतुएं हमेशा किस वचन में प्रयोग की जाती हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ऋतुएं ग्रीष्म ऋतु, अब कभी भी ये नहीं कहते कि ग्रीष्म ऋतुएं आ गई हैं, चाहे वो ग्रीष्म ऋतु हो या फिर शीत ऋतु हो, ये सभी ऋतुएं हमेशा एक वचन में प्रयोग की जाती हैं। और एक वचन में प्रयोग की जाती है और अनेक वचन जैसा कुछ भी नहीं होता है, द्विवचन संस्कृत में होता है। तो सभी ऋतुएं हमेशा एक वचन में ही प्रयोग की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछा है कि ऋतु शब्द, फिर से यही प्रश्न है लेकिन पूछने का तरीका दूसरा है कि ऋतु शब्द का सही बहुवचन बताइए। अब ऋतु का अगर आपसे बहुवचन पूछा जाएगा तो ऋतुएं, ऋतुओं, ऋतु या ऋतुआ। जल्दी से बताइए कि ऋतु शब्द का सही बहुवचन बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा? क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सा उत्तर बिल्कुल सही होगा, जल्दी से बताइए सही। आशा है आप सभी MCQs की सीरीज सॉल्व कर पा रहे होंगे और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए जिससे अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लाए जा सके परीक्षा की भूमिका के लिए। जल्दी से बताइए ऋतु शब्द का, तो ऋतु जो है, ऋतु शब्द का बहुवचन ऋतुएं होता है। क्या ऋतुएं होता है? हमारे भारत में अनेक ऋतुएं हैं, ऋतुएं होता है। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है कि ऋतु शब्द का सही बहुवचन बताइए। अब यहाँ पर जो ऋतुओं लिखा है, ऋतुओं भी एक तरह का बहुवचन ही होता है। क्या होता है? बहुवचन ही है, लेकिन हमसे यहाँ पे बहुवचन पूछा था फिर भी हमने ऋतुओं को मार्क नहीं किया, ऋतुओं को सही नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये हमारा जो है वो तिर्यक बहुवचन होता है। क्या होता है? तिर्यक बहुवचन होता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो दिया गया शब्द है, क्या है? दिया गया शब्द, कि जो प्रश्न में दिया गया शब्द है वो हमसे डायरेक्ट बहुवचन पूछा है, बहुवचन पूछा है या फिर तिर्यक बहुवचन पूछा है। क्या पूछा है? तिर्यक बहुवचन पूछा है। तो जब भी हमसे तिर्यक बहुवचन पूछा जाएगा तो ऋतु शब्द का ऋतुओं होगा। क्या होगा? ऋतुओं इसका तिर्यक बहुवचन है। वैसे एक हम उदाहरण लेके बताते हैं आपको कि एक पुस्तक शब्द आपको दिया गया है, तो इस पुस्तक का बहुवचन अगर हमसे पूछेगा तो पुस्तकें लिखते हैं, लेकिन अब इसी का अगर हमसे तिर्यक बहुवचन पूछेगा तो पुस्तकों लिखते हैं। क्या लिखते हैं? पुस्तकों लिखते हैं, पुस्तक के तिर्यक बहुवचन पे। तो तिर्यक बहुवचन से प्रश्न ज्यादा गलत होते हैं, ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए तिर्यक बहुवचन, बहुवचन के साथ साथ तिर्यक बहुवचन, इस तिर्यक शब्द को भी ध्यान में रखिए और प्रश्न को सही ढंग से पढ़ने के बाद ही उत्तर दीजिए। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमसे पूछा है कि सदा ही बहुवचन में प्रयोग होने वाला शब्द इनमें से कौन सा है? सदा ही बहुवचन में प्रयोग किया जाने वाला शब्द इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए घर, बी प्राण, सी जीव या डी बकरी। जल्दी से बताइए कि बहुवचन में प्रयोग किया जाने वाला शब्द इनमें से कौन सा होगा। बहुवचन में, सदा ही बहुवचन में प्रयोग किया जाने वाला शब्द इनमें से कौन सा होगा, मतलब वो कभी एक वचन में प्रयोग नहीं किया जाता है। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि जो बकरी शब्द है, अगर हम इसका बहुवचन बनाते हैं तो बकरियां हो जाता है। क्या हो जाता है? बकरियां हो जाता है। जीव, जीवो, जीवों पर दया करो, तो जीवों हो जाएगा। और इसमें घर, घरों
या कितने घर इस तरह से शब्द दिए होते हैं, लेकिन जो प्राण शब्द है ये कभी भी एक वचन में प्रयोग नहीं होता है। प्राण शब्द जो है ये कभी भी एक वचन में प्रयोग नहीं होता, ये हमेशा कैसा होता है, बहुवचन ही होता है, बहुवचन ही होता है। प्राण शब्द बहुवचन, इसके साथ ही कुछ अन्य शब्द भी हैं जो हमेशा मतलब सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे दर्शन। क्या? दर्शन किए, दर्शन किया गलत है, तो दर्शन किए। दर्शन भी हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही प्राण, दर्शन और आंसू, आंसू ये सभी शब्द कैसे हैं जो बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है कि प्राण शब्द जो है वो सदैव बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में से बहुवचन का कौन सा युग्म सही नहीं है, कौन सा युग्म सही नहीं है। ऑप्शन ए बेटी बेटियां, श्रोता श्रोतागण, दिव्या दिव्ये, वधु वधुएं। जल्दी से बताइए कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं है, और इसमें नहीं पूछा है, इस नहीं पे जरूर मैंने इसको रेखांकित भी कर रखा है, अंडरलाइन है कि नहीं शब्द पे आपका फोकस जरूर हो, वरना ये प्रश्न जल्दी गलत हो जाते हैं। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और यहाँ पर वधु इस तरह से एक वचन में ऐसे लिखा जाता है, जो बहुवचन होता है तो फिर छोटे उ की मात्रा लगती है। तो बेटी बेटियां बिल्कुल सही है, श्रोता श्रोतागण बिल्कुल सही है, लेकिन जो यहाँ पर दिव्या शब्द आपको दिया गया है, दिव्या दिव्या, इस दिव्या का जो बहुवचन बनाते हैं वो दिव्ये नहीं होता है, क्या होता है, दिव्या। ऊपर अनुनासिक की मात्रा लगती है, चंद्रबिंदु लगता है, और इस चंद्रबिंदु की मात्रा को हम लोग अनुनासिक बोलते हैं, अनुनासिक बोलते हैं, अनुनासिक। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है, ये जो है और ऑप्शन नंबर सी ये गलत उत्तर है, तो इस पे ही मार्क करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के ऑप्शन नंबर सी पे। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमसे पूछा है कि एक पुस्तक मेज पर रखी है, एक पुस्तक मेज पर रखी है, दिए गए वाक्य में किस वचन का प्रयोग हुआ है। बहुत ही आसान, जल्दी से सभी लोग बताइए कि दिए गए वाक्य में किस वचन का प्रयोग हुआ है, द्विवचन, बहुवचन, एक वचन या अन्य वचन। एक पुस्तक मेज पर रखी, और जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर किसी भी एक वस्तु की बात की गई है, एक पुस्तक की बात की गई है, और जब एक है तो एक हमेशा किस में आता है, एक वचन में ही आता है। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, एक पुस्तक में हमेशा एक वचन का ही प्रयोग किया जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमसे पूछा है कि शिक्षक, आपको एक शब्द दिया है, शिक्षक शब्द का बहुवचन बताइए, शिक्षक शिक्षिकाएं, शिक्षक गण या शिक्षकों। जल्दी से बताइए कि शिक्षक शब्द का बहुवचन कौन सा होगा, शिक्षक, और आपके जो भी शिक्षक हैं सभी शिक्षकों का सम्मान करिए, क्या करिए, सम्मान करिए, और इसमें से ये बताइए जल्दी से कि शिक्षक शब्द का बहुवचन, बहुवचन जो शिक्षक शब्द है इसमें शिक्षक, शिक्षक शब्द का हमसे तिर्यक बहुवचन नहीं पूछा है, हमसे पूछा है कि शिक्षक शब्द का बहुवचन बताइए, तो शिक्षक गण, शिक्षक गण। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है, शिक्षक शब्द का बहुवचन शिक्षक गण होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमसे पूछा है कि पाठक शब्द का बहुवचन क्या होगा, पाठक शब्द का बहुवचन शब्द बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर सभी लोग बताएंगे फटाफट, कि पाठक शब्द हमको दिया है और पाठक शब्द का बहुवचन बताना है, कि पाठक शब्द का बहुवचन कौन सा शब्द होगा,
पार्थक शब्द का बहुवचन कौन सा शब्द होगा, जल्दी से बताइए। तो पाठक भी जैसा हमने देखा कि शिक्षक का शिक्षकगण होता है, शिक्षक शब्द का बहुवचन शिक्षकगण होता है, उसी प्रकार पाठक शब्द का भी पाठकगण होता है, पाठकगण होता है। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी सभी लोग मार्क करेंगे और आंसर्स बताएंगे फटाफट से। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14 हमसे पूछा है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द एक वचन में प्रयोग नहीं किया जाता है, मतलब बहुवचन में प्रयोग किया जाता है, सत्य, व्यथा, दर्शन या वर्षा, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है और इसको हमने अभी पढ़ा भी था, गलत नहीं होना चाहिए। और सभी लोग अपना कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखेंगे जरूर कि किसका कौन सा आंसर है, कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखते जाइए कि कौन उत्तर दे रहा है, मैं कमेंट बॉक्स जरूर चेक करती हूँ। इसे सभी लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द एक वचन में प्रयोग नहीं होता, जैसा कि हमने पिछले प्रश्न में भी देखा कि प्राण शब्द, क्या प्राण शब्द, आंसू, आंसू, दर्शन, दर्शन, ये सभी शब्द कैसे होते हैं जो सदैव बहुवचन में, किसमें, सदैव, सदैव बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ पर दर्शन शब्द जो दिया गया है वो एक वचन में प्रयोग नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमसे पूछा है कि शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु का बोध हो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे एक वचन ही कहा जाता है। इसमें एक रूपी या एक विकल्पी दिया है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि एक रूपी रूप की कोई भी बात नहीं हो रही है, ना ही किसी विकल्प की बात हो रही है, या फिर सिर्फ हम लोग वचन पढ़ रहे हैं, तो एक रूपी और एक विकल्पी को देख के कंफ्यूज नहीं होना है। शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु का बोध हो उसे हम लोग एक वचन ही कहते हैं। ये शब्द मैंने दो बार इसलिए रखा इस प्रश्न को क्योंकि आपसे लैंग्वेज किसी भी तरह से घुमा के पूछा जा सकता है, तो आपको उत्तर सही देना है। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न में हमसे पूछा है कि शब्द के जिस रूप से अधिक वस्तुओं का बोध हो, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं का बोध हो उसे क्या कहा जाता है, तो जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का कौन सा आंसर सही होगा। आशा है आप सभी समझ पा रहे होंगे और कमेंट बॉक्स में अपने अपने आंसर जरूर लिखे। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं का बोध हो उसे बहुवचन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बहुवचन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमसे पूछा है कि गरीब के घर में लोग का जीवन दयनीय होता है, गरीब के घर में लोग का जीवन दयनीय होता है, जैसा कि हम वाक्य पढ़ रहे हैं और हमें लग रहा है कि वाक्य में कुछ अपूर्ण है, इनकम्प्लीट सा वाक्य लग रहा है। रेखांकित शब्द में वचन बदलिए, घरों, लोगों, घरों, लोग, घरों नो, लोगों नो, घर या लोग, जल्दी से बताइए कि क्वेश्चन नंबर 17 का कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो जो वाक्य दिया है हमें वो कहना चाहता है कि गरीब के घरों में लोगों का जीवन दयनीय होता है, कैसा होता है, दयनीय होता है, और हमें वचन बदलकर वाक्य को सही करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा घरों और लोगों, घरों और लोगों, गरीब के घरों में लोगों का जीवन दयनीय या अत्यंत दयनीय होता है। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। गरीब के घरों में लोगों का जीवन दयनीय होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में पूछा है कि कवि शब्द का सही बहुवचन रूप बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा परीक्षा में पूछा जाने वाला शब्द, कवि शब्द का सही बहुवचन रूप बताइए। अब यहाँ पर कवि का आपको बहुवचन भी बताना है, बहुवचन तो बताना ही है, और साथ में कवि का लेख भी बताना है कि कवि का अगर हम स्त्रीलिंग बदलेंगे तो क्या होगा। तो कवि शब्द का सही बहुवचन रूप बताइए, कवि गण, कवि जन, कवि वर्ग, कवि वृंद, जल्दी से बताइए कवि शब्द का बहुवचन रूप कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा।
तो कवि शब्द का बहुवचन रूप कवि वृंद होता है, क्या होता है? कवि वृंद होता है, नहीं गण, जन या वर्ग, बिल्कुल सही नहीं है। कवि शब्द का बहुवचन रूप कवि वृंद होता है, क्या होता है? कवि वृंद, और कवि शब्द का वृंद होता है, और कवि शब्द का स्त्रीलिंग कवयित्री होता है। कवयित्री, का और वा में कोई भी मात्रा नहीं लगती है, का और वा में कोई भी मात्रा नहीं लगती है। ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऑप्शंस में इसमें छोटी की मात्रा लग के आती है, जो गलत होता है। इस तरह से जब भी हमसे ज्योत्सना शब्द पूछा जाता है, तो ज्योत्सना में आधा ता और आधा सा ज्योत्सना होता है। आशीर्वाद, आशीर्वाद में हमसे ये जो रेफ की मात्रा हम लगाते हैं, इस मात्रा को रेफ की मात्रा बोलते हैं, और ये वा में लगती है, शा में नहीं लगती है, शा में नहीं लगती है। अहिल्या एक शब्द होता है, लेकिन अहल्या जो है वो शुद्ध शब्द माना जाता है। शुद्ध शब्द, ये कुछ शब्द ऐसे हैं जो आपके वर्तनी शुद्ध में पूछे जाते हैं। द्वारिका, द्वारका होता है। इस तरह से कई सारे ऐसे शब्द हैं जो वर्तनी शुद्ध में पूछे जाते हैं। तो आशा है आप सभी को एमसीक्यू सीरीज बहुत पसंद आ रही होगी। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है। गौ एक शब्द दिया है आपको। गौ रेखांकित शब्द का वचन पहचानिए। जो गौ शब्द है ये एक वचन है, बहुवचन है, या ये सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है, या सदा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। गौ शब्द कब और कैसे प्रयोग किया जाता है? गौ शब्द, तो गौ शब्द कभी भी सदा एकवचन या सदा बहुवचन प्रयोग नहीं होता है। गौ जो शब्द दिया गया है हमको, ये गौ जो है वो एक वचन शब्द है। कैसा है? एक वचन। जैसे हम लोग गाय लिखते हैं तो गा ए अंकी वाचा लगाते हैं तो बहुत सारी हो जाती है। जिस तरह से गौवे हो जाता है वो बहुवचन होगा, लेकिन जो गौ शब्द है वो एक वचन शब्द ही दिया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न हमसे पूछा है कि टिड्डी, टिड्डी एक शब्द दिया है, टिड्डी शब्द का ये भी प्रश्न पूछा गया है और महत्वपूर्ण है। शब्द का सही बहुवचन बताइए। टिड्डी वर्ग, टिड्डी जन, टिड्डी गण और टिड्डी समूह। जल्दी से बताइए टिड्डी शब्द का कौन सा बहुवचन होगा। तो टिड्डी शब्द का सही बहुवचन बताना है आपको। टिड्डी शब्द का सही बहुवचन टिड्डी समूह होता है। क्या होता है? टिड्डी, टिड्डी एक प्रकार के कीड़े होते हैं, शायद देखे होंगे आप सभी ने। तो टिड्डी जो है, टिड्डी समूह बोल सकते हैं, या फिर इसे कभी कभी हम टिड्डी दल भी कहते हैं, टिड्डी दल। और ये जब भी आते हैं तो एक ग्रुप में ही आते हैं, एक समूह में आते हैं, देखा होगा आसमान में उड़ते हुए। तो ये क्या है? टिड्डी दल लिखा हुआ होता है या फिर टिड्डी समूह लिखा होता है, ये दोनों ही सही माने जाते हैं। तो आशा है आज की एमसीक्यू सीरीज आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी, और ऐसे ही परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण एमसीक्यू सीरीज की को पाने के लिए चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सीरीज और ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लाए जा सके। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।